मेरे साथ मौजूद हैं विशा अबूबकर, जो कि अकबर बुकरी साहब की छोटी बहू हैं, शाहजवार जो इनके शौहर हैं, उन पर इनकी जानिब से इल्जामात आयद किए गए हैं कि वो मुबैना तौर पर इन पर तशद्दुद करते हैं। शाहजवार के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे बहुत ज़्यादा मेरी, उसने प्राइवेट चीज़ें मुझे ड्रग्स के इंजेक्शन दे के ऐसी बनाई कि जिसपे मुझे अरसे तक ऐसे ब्लैकमेल करता था कि मैं उसको छोड़ नहीं सकती थी। उर्दू पॉइंट की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं विशा अबूबकर, जो कि अकबर बुकरी साहब की छोटी बहू हैं, और शाहजवार जो इनके शौहर हैं, उन पर इनकी जानिब से इल्जामात आयद किए गए हैं कि वो मुबैना तौर पर इन पर तशद्दुद करते हैं, और इनका जो सिलसिला है उसकी वजह से ये अब नौबत जहाँ तक आ गई है कि एफ आई ए में गई हैं और एफ आई आर भी दर्ज है। तो विशा से बात करते हैं इनके इल्जामात के बारे में। विशा, ये बताइएगा, जो आपने इल्जामात आयद किए हैं अपने शौहर पर, आपकी शादी को तो गालिबन 6 साल हो चुके हैं, 2015 में आपकी शादी हुई थी जी। लेकिन ये चीज़ें अब सामने क्यों आ रही हैं, मीडिया के सामने क्यों आ रही हैं? क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा एफआईए को कैसे हम कन्विंस करें कि वो शाहजवार को अरेस्ट करें, जो कि वो अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। और मेरे लिए बहुत डेंजरस है ये बात, क्योंकि मेरे पीछे टारगेट किलर को लगा चुका है, मेरे प्राइवेट चीज़ों को लीक कर चुका है ये, और मेरी फैमिली को ख़तरा है, लोगों को भेजता है धमकियां देने के लिए। तो वजूहत क्या है, कोई तो वजह होगी, अगर जिस तरह से आपने इल्ज़ाम आयद किया कि मुबैना तौर पर आपकी वीडियोस बनाई गई हैं, तस्वीर बनाई गई हैं और उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। खैर, एफ आई ए की जानिब से ज़राए ने ये पता चला है कि उनको डिलीट कर दिया गया, उन सारी चीज़ों को सोशल मीडिया से। तो वजह क्या थी, कोई वजह तो होगी? मेरी बेटी बड़ी हो रही थी, उसके सामने जब ऐसे बातें करता था तो मैं उसको टॉलरेट नहीं कर सकती, जिसकी और मुझे उसने धमकी दी कि मैं बच्ची को ले जाऊंगा, जिस पर मैं उसको छोड़ने पे मजबूर हो गई और मैं छुपने पर मजबूर हो गई। और जब इसको पता लगा 14 मार्च को, उसके 2 दिन बाद मुझे किसी ने इन्फॉर्म किया टारगेट किलर ने कि ये आपके पीछे ऐसे मारना चाह रहा है आपको। उसी टारगेट किलर ने खुद ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जी। उसने मुझे इन्फॉर्म इसलिए किया क्योंकि हम लोग उससे रابطे में थे, हमारा कोई काम, पेपर वर्क, किसी किस्म की कोई भी चीज़ लीगल तरीके से करने में वो हमारी हेल्प करता था, क्योंकि नादरा डायरेक्टली जाना इतना हम लोगों के लिए सेफ नहीं होता है, या कहीं यूनिवर्सिटी कॉलेज कोई भी डॉक्यूमेंट्स हों। आप लोगों के तनाज़े की असल वजह बनी क्या, आपके या उनके करेक्टर की भी कोई बात थी? कैरेक्टर की बात तो इरेलेवेंट है यहाँ पे, क्योंकि जो मुझे छोड़ने की वजह थी उसके सारे प्रूफ्स मैं एफआईए में दे चुकी हूँ और प्रूफ्स की वेरिफिकेशन भी हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे जब एफआईआर भी कट चुकी है, मैं अपने कैरेक्टर के पे क्या वजाहत दूँ? कोई किसी पे जुल्म करे तो उसका कैरेक्टर क्यों बीच में कैसे आता है? खदीजा सिद्दीकी को खंजर मारे तो कैरेक्टर पर बात उठाई, नूर का कत्ल कर दिया तो कैरेक्टर पर बात उठाई, मैं बीवी थी अब फिर कैरेक्टर पर बात, तो कैरेक्टर पर तो बात नहीं कर सकते। इसका मतलब आपको लगता है कि आसान टारगेट होता है कि किसी खातून को कैरेक्टर पर बात करें और केस को शटडाउन कर दीजिए? बिल्कुल, मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था कि मैं शाहजवार की एफआईआर कटवाऊं। सच्ची कटवाना मुश्किल था, झूठी कैसे कटवाती मैं? नहीं, एफआईए में तो 295C में खास उन पे लगाई है सिर्फ जी, इसके अलावा 295A भी लगाया है। ए भी लगाया है। ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, जो आपने उसमें इल्जामात किए कि मुबैना तौर पर वो आप पर तशद्दुद करते थे, मेरे ख्याल से आपकी प्रेगनेंसी के दौरान भी उन्होंने आप पर तशद्दुद किया जी। 2015 से 18 तक मामला था कि ठीक रहे, ये ख़राब होने शुरू कहाँ से हुए थे? शादी के शुरू बाद से ख़राब थे, क्योंकि शाहजवार के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे बहुत ज़्यादा। आपको पता था वो मेरे सामने घर में लड़कियाँ लेके आता था, उसे मुझसे क्या खौफ होगा? और मेरी उसने प्राइवेट चीज़ें मुझे ड्रग्स के इंजेक्शन्स दे के ऐसी बनाई कि जिसपे मुझे अरसे तक ऐसे ब्लैकमेल करता था कि मैं उसको छोड़ नहीं सकती थी, वो चाहे मेरे साथ जो मर्जी ज्यादती करे। ये कदम मैंने सिर्फ अपनी बच्ची को बचाने के लिए, उसके दीन और दुनिया की हिफाजत के लिए किया है। और क्या वो खुद भी ड्रग एडिक्टेड थे? नहीं, कभी ड्रग्स नहीं लेता, कभी भी शराब के पास भी नहीं जाता। तो आपने जिस तरह से ये कहा कि वो शुरू से ही उनके मामलात आपके ऐसे थे, मुबैना तौर पर आप पर वो तशद्दुद करते थे, आपने किसी से डिस्कस तो किया होगा, अपने वालिदैन से, किसी करीबी से, कि ये इस तरह से मुझ पर तशद्दुद करते हैं और इनके नाजायज़ ताल्लुकात हैं दूसरी जगहों पर? नहीं, मैंने किसी से जिक्र इसलिए नहीं किया था क्योंकि फिर मेरे माँ बाप मुझे इसके साथ नहीं रहने देते, और मैं उसको उस वक्त भी छोड़ती तो जो क़यामत अभी आई है वो उस वक्त आ जाती है। हौसला सिर्फ मैंने अपनी बच्ची को बचाने के लिए किया। आप निभाना चाहती थी उनसे? जी, निभाना चाहती थी और मजबूर भी थी निभाने पर, क्योंकि इसके पास मेरे प्राइवेट चीज़ें थी जिस पर वो हर वक्त मुझे ब्लैकमेल करता था।
तो ये दानिशा तौर पर प्राइवेट चीज़ें रखी गई, वो क्या थी, वो शादी से पहले की क्या कुछ चीज़ें थी? जी नहीं, शादी के बाद की थी, लेकिन इसने मुझे ड्रग के इंजेक्शन लगवा के बनाए। शादी से पहले क्यों या शादी के बाद क्यों, कोई औरत टॉलरेट नहीं कर सकती कि लोग उसको इस हालत में देखें। चूँकि FIA में FIR तो दर्ज हो गया, 295C और AB आपने बताया, लेकिन गिरफ्तारी अब अमल में नहीं आई, क्योंकि FIA का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट, इस तरह से है कि पहले इन्वेस्टिगेशन होती है फिर FIR होती है। इसकी क्या वजूहत बताई जा रही हैं, क्या उज़र पेश किया जा रहा है डिपार्टमेंट? अब देखिए, किसी आम केस में 3 हफ्ते की इन्वेस्टिगेशन होती है, 3 बार समन किया जाता है और उसके बाद अरेस्ट कर लिया जाता है, वारंट इशू हो जाता है FIR होने के बाद। लेकिन इस केस में 2 महीने इन्वेस्टिगेशन की गई, 3 दफ़ा समन किया गया एंड ही डिड नॉट शो अप इवन वंस। वो समझता ही नहीं है ना कानून को कुछ। और उसके बाद 2 महीने के बाद अभी FIR भी 7 जून को हुई है, 7 जून के बाद वारंट 27 जुलाई का हुआ है और अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया है। अभी वो कहाँ है, क्या FIA को मिले? वो कराची टू लाहौर ट्रैवल करता है और FIA अगर तलाश करना चाहे तो FIA तो गांव से जाके लोगों को पकड़ लेता है। तो FIA से आपने पूछा तो होगा कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई? FIA से पूछा है, वो उनकी रीजंस चेंज होती रहती हैं, लेकिन रिजल्ट एक ही है कि शाहजवार अरेस्ट नहीं हुआ है। शाहजवार की जानिब से कोई भी वर्जन नहीं आया, जिस तरह से आपने कुछ रोज़ कबल एक वीडियो भी लगाई सोशल मीडिया पर जिसमें अपनी स्टेटमेंट दी थी और उसके बाद फिर अब मीडिया पर भी आप आई हैं, लेकिन उनकी जानिब से कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आई। आपने चूँकि वक्त गुजारा है तो कुछ तो होगा, या उसके बाद कोई रिएक्शन आया उनकी तरफ से, आपको कोई कॉल आई हो या काउंटर किया हो आपके उस बयान को? वो जैसे थ्रेटन कर रहा था वैसे ही कर रहा है, लोग भेज रहा है रिश्तेदारों के घर, बिशा को हमारे हवाले करो, और उसी तरह से थ्रेटन जैसे पहले कर रहा था वैसे ही अब भी कर रहा है। वो कानून से नहीं डरता है, वो क्लेरिफिकेशन तब देगा जब उसको कोई खौफ होगा। उसने अपनी प्री अरेस्ट बेल तक अप्लाई नहीं की, क्योंकि वो कानून को, आवाम को, पाकिस्तान को कुछ नहीं समझता। उसको लगता है वो हर चीज़ को अपने इन्फ्लुएंस से और पैसे से क्या अभी इन्फ्लुएंस चल रहा है उनका? इन्फ्लुएंस नहीं होता तो उसको अभी तक अरेस्ट तो हो जाना चाहिए था। इन्फ्लुएंस यूज़ करने के भी बहुत से तरीके होते हैं। आई डोंट बिलीव FIA में हर शख्स डिसऑनेस्ट है या कोई इससे पैसे ले रहा है, कुछ हो सकता है कोई ले भी रहा हो, लेकिन इन्फ्लुएंस और भी बहुत सारे तरीक़ों से, पावर जो यूज़ करना कहलाया जाता है, अपने सोर्सेज को यूज़ करते हैं, डिले करते हैं चीज़ों को। सही, आपकी जानिब से तो इल्ज़ाम आए हुए, क्या शाहजवार की जानिब से भी आप पर कोई इल्ज़ाम आए हुआ? वो कहते थे आपको? कोई इल्ज़ाम अगर लगाएगा भी तो उसको साबित नहीं कर सकता। कोई वजह तो होगी जो आपको मारते पीटते होंगे, कुछ तो रीज़न होगा। जी रीज़न किसी लड़की के साथ जब सो के आता था और मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती थी, बात नहीं करना चाहती थी, तो उसके ऊपर मुझे मारता था और कोशिश करता था कि मैं हैप्पीली उसको कहूँ कि कोई ऐसी बात नहीं इफ़ यू आर लाइक दैट, लेकिन इफ़ आई कुड नॉट डू इट तो वो मुझे मार मार के कमरे से निकाल देता था, महीनों के लिए आइसोलेट कर देता था एक ऐसे शहर में जहाँ मेरा कोई रिश्तेदार जाने वाला नहीं है। वहाँ एक कमरे में मैं 3-3 महीने पड़े रहती थी इससे मार खाकर, मेरे पूरे बॉडी पे ब्लू निशान होते थे, बेडशीट के नॉट्स बना के मुझे मारता था, गला घोटने की कोशिश करता था, तकिया मुँह पर रख के सफोकेट करता था, प्रेगनेंसी में उल्टा लेटा के कमर पर खड़ा हो गया एक पैर से पूरा प्रेस करके, बच्चे को बाकायदा मारने की कोशिश की और कहा भी कि मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। अपने बच्चे से क्या दुश्मनी हो सकती है? बस अपने बच्चे से नहीं हो सकती, लेकिन जिस औरत से पैदा हो रहा है उससे तो हो सकती है। आपसे कोई ज़ाती कोई मसला था या इस वजह से मसला था आप समझती हैं कि वो नाजायज़ ताल्लुकात की जानिब आप उनकी हामी नहीं भरती थी? जी ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी और भी बहुत सारे। देखें, किसी को मारने के लिए बीवी को वजह नहीं चाहिए। जो बीवी को मारते हैं वो बड़ी वजूहत पे भी नहीं मारते। बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं दुनिया में और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको बीवी पे हाथ उठाने के लिए किसी वजह की ज़रूरत नहीं है। मूड ख़राब है, खाने की प्लेट लेके गई कि क्या हुआ आपको, मुँह पर थप्पड़ मार दिया। बहुत दफ़ा मूड ख़राब होने की वजह मैं नहीं होती थी, वो इसकी गर्लफ्रेंड्स जो इससे मिलने से रिफ्यूज़ कर रही हैं या कोई और वजह है, अपना उनके साथ कुछ चल रहा है, उसका भी गुस्सा मेरे ऊपर ही निकलता। आपने जिस तरह से कहा कि 3 महीने तक आपको एक कमरे में रखा, आजकल तो दौर ऐसे मोबाइल का दौर है, 3 घंटे भी अगर कोई कांटेक्ट में ना हो तो लोग रब्ता करते हैं, घर वाले पूछते हैं भाई कहाँ हो, खैरियत है, तो 3 महीने तक आपने कैसे गुजार लिया? मुझे कमरे में बंद नहीं करता था, मुझे बस कमरे से निकाल देता था कि मेरे कमरे में नहीं आओगी, मुझसे बात नहीं करोगी। अच्छा। अम्मी तुमसे बात नहीं करेंगे, मैं अलग कमरे में पड़ी रहती थी, मेरे पास कुछ एक्टिविटी कुछ भी नहीं, ना मिलना जुलना, मेरी दोस्तों की इजाज़त नहीं थी, मेरे फेसबुक अकाउंट्स बंद कर दिए गए थे शादी के फ़ौरन बाद। मैं अपनी माँ से भी फ़ोन पे बात करती थी तो मेरी कॉल्स मॉनिटर्ड होती थी, मेरी सास बैठ के या मेरा शोहर बैठ के सुनता था कि मैं क्या बात कर रही हूँ। इसका मतलब है आपकी सास को सारा पता था इस बारे में? मेरी सास के सामने सब कुछ होता था, प्रेगनेंसी में जो मुझे इसने मारा था उसकी रिस्पॉन्सिबल मेरी सास थी।
और जो बाहर से लड़कियां आती थी वो भी उनके सामने आती? मेरी सास नहीं, मेरी सास उनके सामने नहीं आती थी, ना मुझे उनके सामने आने की इजाज़त थी। घर में तीन चार बेडरूम्स थे, तीन ऊपर और एक नीचे। अच्छा। मैं जब कोई लड़की आती थी मुझे इन्फॉर्म कर देता था कि अब तुमने नीचे नहीं आना, और ये नीचे बेडरूम में लड़की को आता था, लड़की को पता भी नहीं होता था इसकी कोई बीवी है जो ऊपर रहती है। अच्छा, आपने कभी हिम्मत नहीं की कि उनको बताएं या नीचे आए? नहीं, मैं कैसे हिम्मत करती? अपने घर वालों को भी कभी नहीं बताया? इसीलिए तो नहीं बताया घर वालों को कि वो छुड़वाते, फिर जो ये अभी हो रहा है ये तब होता। तो अब ये नौबत, इसका मतलब है आपने जिस तरह से इल्ज़ाम आयद किया कि मजहबी बुनियाद पर भी एक नुक्ता था, वो सिर्फ एक नुक्ता है या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस आड़ में केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी तरफ से कुछ कर रही होती तो FIA मुझ जैसे कमज़ोर शख्स के तरफ से शाजवार बुकटी के खिलाफ जो FIR नहीं काटता, काट नहीं सकता। वो तो जो चीज़ है उसको भी कम करने की कोशिश करेगा, बढ़ाएगा थोड़ी। हमारे पास सॉलिड प्रूफ्स हैं ब्लास्फेमी के। बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ मौजूद थी विरशाब अबूबकर जिन्होंने इल्ज़ाम आयद किए और मुबैना तौर पर इनका ये कहना है कि वो मज़हब से भी दूर जा रहे हैं और साथ साथ इन पर तशद्दुद भी करते हैं इनके शौहर, और इसी वजह से FIR भी कट चुकी है FIA में। इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, एक नए वीडियो के साथ वापस आएंगे। अल्लाह के पानी।